नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को पावन अयोध्या धाम में श्री राम लला के नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होने के अति पावन शुभ घड़ी की आप सभी को अनंतानंत शुभकामनाएं एवं मंगल बधाइयां। जय श्री राम। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। दोस्तों, विथ वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग 15% के आसपास की तेजी भी लगाता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एचएफ सीएल लिमिटेड के बारे में, जिसका पूरा नाम है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो दोस्तों, आज हम इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, चार्ट पे भी लेके चलेंगे, सारी चीजों को एक एक करके बारीकियों से देखेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आईएफएल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं, शॉर्ट वीडियोज लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं। तो दोस्तों, जो कि आने वाले दिनों में एक बम्पर रिटर्न देते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम एचएफसीएल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें तो ही आपके समझ में आएगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए सबसे पहले कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। एचएफसीएल एक विविध टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सिस्टम एकीकरण, टेलीकॉम उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर केबल के निर्माण और आपूर्ति के व्यवसाय में लगा हुआ है। उत्पाद पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में ऑप्टिकल फाइबर केबल, वाईफाई सिस्टम, माइक्रोवेव, रेडियो, राउटर, इथरनेट स्विच, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, आउटडोर वाईफाई, क्लाउड आधारित नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली शामिल है। अपने उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के साथ कंपनी दूर संचार, रक्षा, रेलवे में भी सेवा प्रदान करती है। राजस्व की बात करें तो सार्वजनिक दूर संचार से 76% का, रक्षा संचार और इलेक्ट्रॉनिक से 21% का तथा रेलवे संचार से 3% का राजस्व अर्जित करता है। विनिर्माण सुविधाओं की बात करें तो वर्तमान में कंपनी के पास तेलंगाना और गोवा में 5 विनिर्माण सुविधाएं हैं। कंपनी के अगर ग्राहकों की बात करें तो कंपनी के ग्राहकों में जियो, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, बीएसएनएल, बीपीसीएल, आईओएल, रेलटेल, गेल, सऊदी रेलवे तथा अन्य शामिल हैं। क्षमता विस्तार की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान कंपनी ने 186 R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विशेषज्ञों को जोड़ा। इसकी अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं भारत और बेंगलुरु के गुरुग्राम में स्थित है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान और विकास पर लगभग 125 करोड़ रुपए भी खर्च किए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसके सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो सेल्स तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जबरदस्त जंप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी 2023 में देखने को मिली थी। हालांकि कंपनी फायदे में है, अच्छे फायदे में है, लेकिन थोड़ी सी 2022 की अपेक्षा कमी आते हुए दिखाई दी है। तो दोस्तों, अगर मैं मार्च 2021 की सेल्स की बात करूं जो 4,423 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2022 में देखेंगे बढ़कर के 4,727 करोड़ के होते हुए दिखाई दिए, और मार्च 2023 में देखेंगे तो 4,743 करोड़ का यहाँ पे सेल्स में जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम वहीं पे इसके खर्चे के ऊपर नजर डालें तो मार्च 2021 में जो खर्चा 3,873 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2022 में देखेंगे खर्चा 4,077 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया, और मार्च 2023 में देखेंगे तो 4,125 करोड़ का खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऊपर नजर डालें तो मार्च 2021 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 550 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2022 में देखेंगे बढ़कर के 650 करोड़ के होते हुए दिखाई दिए, मार्च 2023 में देखेंगे थोड़ी सी कमी 619 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की। तो सबसे पहले इसके सपोर्ट और असिस्टेंट को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट असिस्टेंट की बात करूं 103.35 का है, सेकंड असिस्टेंट की बात करें 107.00 का है, थर्ड असिस्टेंट की बात करें 112.65 का देखने को मिल रहा है। अब एक नजर कंपनी के सपोर्ट के ऊपर डालेंगे तो अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं 94.05 का है,
सेकंड सपोर्ट की बात करें 88.40 का है, थर्ड सपोर्ट की बात करें 84.75 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सिंपल मूविंग एवरेज को पढ़ा लेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज हैं वो यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं, तो एक अच्छा साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन को जान लेते हैं। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं 14,236 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो 47.00 का है, डिविडेंड यील्ड 0.19% का है, बुक वैल्यू की बात करें 24.91 का है, फेस वैल्यू 1 का है, प्राइस बुक रेशियो की बात करें तो 4 का है, आरओसी की बात करें 19.01% का है, आरओई की बात करें 9.57% का है। तो बेहतरीन फंडामेंटल एचएफसीएल के देखने को मिल रहे हैं। अब एक नज़र कंपनी के इन्वेस्टमेंट रिटर्न के ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 1 वीक में देखेंगे लगभग 13%, 1 महीनों की बात करें लगभग 34%, 3 महीनों में 44%, 6 महीनों की बात करें तो 52%, 9 महीनों में 62%, बीते 1 सालों में 39% का रिटर्न, 2 सालों की बात करें तो लगभग 13.5%, 3 सालों में 209%, 4 सालों की बात करें 476%, बीते 5 सालों में 346% का जबरदस्त रिटर्न एचएफसीएल ने अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब एक नज़र कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऊपर डालेंगे, सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं। 37.84% की होल्डिंग प्रमोटर की है, डीआईआई की बात करें 6.15% की होल्डिंग है, एफआईआई की बात करें 8.18% की है, पब्लिक इन्वेस्टर के पास 47.76% की होल्डिंग है, अदर की बात करें 0.08% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहां पे देखेंगे दोस्तों मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे चार्ट के ऊपर हमने 2 लाइनों को ड्रा किया हुआ है। दोस्तों अभी जो रिसेंट का इसका हाई हुआ करता था, फाइनली कल की ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे उसी को सस्टेन किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनती है तो आने वाले दिनों में एक शार्प मोमेंटम एचएफसीएल के अंदर देखने को मिलेगा। और जो नीचे की लाइन है दोस्तों एक लंबी अवधि का यहाँ पर रेसिस्टेंट फेस किया करता था, फाइनली जैसे ही उसको ब्रेक करता है तो आप देखेंगे तो एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। दोस्तों अब वही इसके सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों जब मैं चार्ट को जूम आउट करूंगा, वीकली करूंगा, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसके लेबल्स को नोट डाउन करते हैं। तो अगर ये स्टॉक आपको 95 रुपए से 100 की रेंज में मिले तो आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 80 रुपए का। पहला टारगेट 120, 130, 140 के टारगेट आने वाले 1 से 6 महीनों के अंदर एचएफसीएल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको वीकली चार्ट दिखाते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों हमने चार्ट स्ट्रक्चर को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। वीकली चार्ट है, आप देखेंगे तो एक ही रेंज के अंदर स्टॉक काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है, कई हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे कह लीजिए फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है दोस्तों। एक लंबी तेजी के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कंसोलिडेशन फेज है, फ्लैग पैटर्न इसको बोलते हैं दोस्तों। ये जब कंसोलिडेशन या तो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन होने की संभावना बहुत कम है, ब्रेकआउट होने की संभावना पूरी तरह से दिख रही है। और आप देखेंगे तो ब्रेकआउट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर अगली कैंडल इसके ऊपर बनती है, मतलब नेक्स्ट वीक ये जो चालू हुआ है कल से, उसके बाद ये हफ्ते की अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो आने वाले दिनों में एचएफसीएल के अंदर एक बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया, जो ऊपर की लाइन आप देख पा रहे हैं, कई बार इसने इसको रेसिस्टेंट फेस किया है। आप देखेंगे फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आने वाले दिनों में एक छोटे से रिस्क के साथ एक अच्छा रिवार्ड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल। कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।